कभी नजर की रूबी और कभी कसौटी जिंदगी में अपना कमाल दिखाती। मिलिए सोनिया से, जो आज हमें अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स बता रही हैं। पर इस लॉकडाउन में किसने कहा कि आप खूबसूरत नहीं दिख सकते हैं? अपना मेकअप बॉक्स खोलिए, अपने वीडियोस बनाइए, अपने मेकअप बॉक्स को साफ कीजिए। पर यही सब मंत्र आज दे रही हैं सोनिया। तो चलते हैं सोनिया के घर पे जानने लॉकडाउन में उनके ब्यूटी टिप्स। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनिया और आज मैं आपसे अपनी मेकअप सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ। जब मैं नजर की शूट कर रही थी तो मुझे काफी क्वेश्चंस आते थे मेरे इंस्टाग्राम पे कि शेयर योर मेकअप सीक्रेट, आप क्या क्या करती हैं एंड ऑल दैट। तो आज आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू, सो लेट्स गो। भाई लड़कियों के पास होते हैं सजने संवरने के सामान, लेकिन सोनिया के पास तो भर भर के मेकअप का सामान है। तो जरा देखिए उनके मेकअप के बक्से में क्या है। सो ये है मेरी छोटी सी वैनिटी जो मेरे घर पर है, मेरे लिपस्टिक्स और मेरे आई शैडोज, मेरे नेल पेंट्स, वो सब कुछ मैं यहाँ रखती हूँ। सो बेसिकली आई लव वेयरिंग मेकअप। सो जब मैं सबसे पहले लिपस्टिक से इंट्रोड्यूस हुई थी, आई वॉज वेरी लिटिल और मैं अपनी मॉम को देखती थी लिपस्टिक्स लगाते हुए, एंड हर टेस्ट इन लिपस्टिक वॉज वेरी वेरी डिफरेंट। लाइक उन दिनों लोग रेड बहुत वेयर करते थे एंड क्रीम लिपस्टिक्स वेयर करते थे, लेकिन माई मदर वॉज ऑलवेज इन टू मैट। सो समहाउ मैं भी वैसी ही हूँ, मुझे मैट लिपस्टिक्स का बहुत शौक है। सो मेरे पास हर तरह के लिपस्टिक्स हैं, मेरे पास ग्लॉस है, शिमर है, ग्लिटर है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ मैट प्रेफर करती हूँ। बट आई लव रेड। मेरी मॉम को रेड कभी पसंद नहीं था, ये उनके फेवरेट शेड्स थे और मुझे ये शेड बहुत पसंद है। एंड माई मदर वो ये बचपन से ये शेड्स पहनती थी और इट वॉज रियली वे अहेड ऑफ हर टाइम। तो आई थिंक आई गेट इट फ्रॉम माई मॉम और मुझे लिपस्टिक्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो या आई डोंट लाइक ऐसी लिपस्टिक्स जो मुझे बहुत चिपचिप फील कर रहे हैं या ग्लॉस जब मैं शूट कर रही हूँ, तो आई डोंट वांट कि किसी मेरा ध्यान मेरी लिपस्टिक पे हो या मेरे किसी लैश पर हो या कुछ भी मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा हो। सो आई प्रेफर ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत ही फोकस्ड रखे। सो मैट इज़ द बेस्ट वे टू गो। बट यस, अगर आपको ग्लॉस पसंद है तो, और अगर आप कैरी कर सकते हैं तो ठीक है, मैं ग्लॉस कैरी नहीं कर पाती। ये कुछ शेड्स जो मेरे फेवरेट हैं वो हैं कलर कलर पॉप का इविल क्वीन। ये बेसिकली रेड, ब्राइट, ब्यूटीफुल डिज्नी विलन्स जो वेयर करते थे, ये वो शेड है एंड आई सिंपली लव इट। और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो जब अगर मेरा कोई रेड कार्पेट इवेंट है या कोई ऐसा इवेंट जहाँ पे मुझे बहुत ही ग्लैमरस लग रहा है, रेड इज़ द वे टू गो एंड दिस इज रेड मैट। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। क्रीम में मेरा फेवरेट है एस्टी लॉडर। इसका नाम है कैंडी और ये बहुत ही सुंदर पिंकिश मैट शेड है। आई थिंक मेरे पास हर ब्रांड की लिपस्टिक मैं पूरी दुनिया में ट्राई कर चुकी हूँ, चाहे वो इंडिया में अवेलेबल हो या ना हो। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं लिपस्टिक्स ज़रूर खरीदती हूँ, चाहे मेरे पास 400-500 लिपस्टिक्स क्यों ना हो। कुछ मेरे कलेक्शन यहाँ है, इसमें से आधे मैंने गिफ्ट कर दिए और कुछ मैंने मेरी फ्रेंड्स को दे दिए, मेरी मॉम को कुछ पसंद आए तो मेरी सिस्टर को दे दिए, एंड बाकी यहाँ है। इसमें कुछ 108 लिपस्टिक्स थी एंड दे आर ऑल गॉन। तो यस, मुझे एक बार मैंने अपनी ये जो ड्रॉ है मेरी वैनिटी, उसकी फ़ोटो मैंने शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे और एक क्वेश्चन आया था दैट आपके ड्रॉ में ये नाक क्या कर रही है। तो आज मैं उसका सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि ये जो नाक है ये एक शार्पनर है
मैं बहुत ही रिसेंटली इटली गई थी जब ये कोरोना वायरस पैंडमिक से पहले, बहुत पहले। और वहाँ पे नेपल्स में, वहाँ का एक शहर का नाम है नेपल्स, जहाँ पे मैंने ये देखा, ये नो शेप का शार्पनर। तो आप इसमें पेंसिल, फ्लिप पेंसिल या काजल पेंसिल डाल के इसे शार्पन कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी क्यूट। तो मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल करना और ये सारी स्पेशल चीज़ें खरीदना जो आपको यूजुअली नहीं मिलती हैं। सो ये था मेरा लिपस्टिक कलेक्शन से इंट्रोडक्शन। भाई टाइम पास का ये अच्छा बहाना है। और सोनिया अपने मेकअप के प्रोडक्ट से बहुत प्यार करती हैं, तो आप भी इन प्यारी प्यारी चीजों के साथ वक्त आइए ताकि ये लॉकडाउन का लम्हा जल्दी कट जाए। आई एम श्योर हम बहुत जल्द मिलेंगे टीवी पर, और होपफुली सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए तो अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, और सिर्फ तब बाहर निकलिए जब आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ी इमरजेंसी हो, वरना प्लीज़ अपने घर पर रहिए और होपफुली सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।